दोस्तों इंडिया मेनोक्लो शॉप में आपका स्वागत है। देखते हैं इसको अनबॉक्स करके। अंदर से एक और बॉक्स है ब्राउन कलर का। इस बॉक्स में से आप देख रहे हैं ये सारे डिफरेंट बॉक्सेस निकले हैं, तो ये सारे अभी हम अनबॉक्स करेंगे। 150 mm पैराबोलाइज्ड रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप है। 150 इंसिडेंटली 130 mm से बड़ा टेलीस्कोप है। ये पहला बॉक्स है छोटा, इसमें हम देखते हैं क्या है। इसमें दो प्लॉसल आई पीसीज इसमें आते हैं, 10 और 25 mm। दूसरा बॉक्स, इसमें ये स्लो मोशन केबल्स हैं, रॉड है, इसमें EQ3 माउंट आपको मिलता है साथ में, इस तरीके से वाइट कलर का बीफी माउंट, जो सेलेस्टॉन का CG3 है विच इज़ EQ2, उससे ये बड़ा है, हैवी। तो दो काउंटर वेट्स हैं इसके अंदर। तो अगला बॉक्स जो है उसमें ये ट्राइपॉड है, उसकी ये एक्सेसरी ट्रे है वाइट कलर की, और ये सोलर फिल्टर है साथ में इस तरीके से। तो आप अगर सन ऑब्जर्व करना चाहते हैं ब्लैक स्पॉट्स तो आप कर सकते हैं। तो क्लोजली नज़र मार लेते हैं, सोलर फिल्टर और आपके काउंटर वेट, स्लो मोशन केबल्स, माउंट है, आई पी सीज हैं, दो आई पी सी हैं, दो प्लॉसल हैं, रेड डॉट फाइंडर है, ये ऑप्टिकल ट्यूब है जो आप देख रहे हैं, और ये पीछे ट्राईपॉड है इसका। तो इसकी अब असेंबली देखते हैं। तो आपका इसका अल्टीट्यूड देखना पड़ेगा कितना है, जो भी आपका सिटी है, अगर 27 एंड 28 है तो उस पर आपको सेट करना पड़ेगा। ये इसकी काउंटर वेट रॉड है जो यहाँ स्क्रू इन होगी। लगाने के बाद आपको लॉक करना है, अनस्क्रू कर रहे हैं ताकि इस ट्यूब जो है इसमें स्लाइड कर जाए। आप आर ए एक्सिस पे बैलेंस करके देख सकते हैं कि ट्यूब बैलेंस है कि नहीं है। तो ये आर ए एक्सिस है जो आप देख रहे हैं, राइट एसेंशन एक्सिस, तो इसमें ये बैलेंस है। उसके बाद फिर आप डेक्लिनेशन एक्सिस पे भी बैलेंस कर सकते हैं, उस केस में फिर आप आर ए का लॉक आपको करना पड़ेगा, नीचे लगा हुआ है आर ए का, तो वो लॉक करके और फिर आप डेक्लिनेशन का लॉक रिलीज़ करके डेक्लिनेशन एक्सिस पे करेंगे बैलेंस। अब यहाँ पे आप डेक्लिनेशन एक्सेस के लिए आप देखेंगे कि ये कहाँ जा रही है, ये फ्रंट हैवी है ट्यूब अभी, तो मैंने ये वाला जो आर ए एक्सेस है ये लॉक कर दिया, लेकिन ये जो नीचे वाला यहाँ पे स्क्रू है वो अनलॉक कर दिया, तो मैंने देखा वो फ्रंट हैवी है। फ्रंट हैवी तो इसका मतलब ट्यूब पीछे स्लाइड करनी पड़ेगी। ये मैं लूज़ करके ट्यूब को थोड़ा सा पीछे ले के आऊँगा, तो अभी ये बैलेंस हो गई है डेक्लिनेशन एक्सिस पे। तो आपको रेड डॉट फाइंडर भी आपको लगाना है उसके बाद, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे स्लाइड हो जाएगा इसके अंदर, ट्यूब बैलेंस करने के बाद आप ये स्लो मोशन भी लगा सकते हैं दोनों साइड के। पैकिंग करना है तो ये स्लो मोशन बहुत हेल्प करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं अभी ये स्लो मोशन से आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने लॉक कर दिया है आर ए और डेक्लिनेशन में तो आप ट्रैक कर सकते हैं स्लो मोशन से।
इस पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपने एक्सेस लॉक कर दिए हैं तो फोर्सिबली ट्यूब को मत हिलाइए, नहीं तो गियर्स डैमेज हो जाएंगे और वो वारंटी में कवर नहीं होंगे। तो ये आपका आरे एक्सेस मूवमेंट के लिए, और दूसरी वाली जो थी वो डेक्लिनेशन मूवमेंट के लिए। तो ये आई पीसीस आपने यहाँ इंसर्ट करने हैं। अच्छी बात ये है कि इसमें आपको 2 इंच का आई पीस फोकसर दिया हुआ है, तो आप 2 इंच का भी आई पीस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 25mm से लगा के रेड डॉट फाइंडर के साथ एडजस्टमेंट करनी है, अलाइनमेंट करनी है। रेड डॉट फाइंडर को सेंटर करने के लिए उसके स्क्रूज हैं यहाँ पे और इधर, तो यहाँ से आपको इन डायरेक्शन देनी है रेड डॉट को, ताकि इसका जो सेंटर है इसका सेंटर सेम हो जाए। तो बेस ये रहेगा और रेड डॉट फाइंडर एडजस्ट करना है, और जो रिंग है ये निकल आएगा बाहर, और इसमें 2 इंच आई पीस आप लगा सकते हैं। देखते हैं अब इसमें 2 इंच आई पीस आता है। ये 2 इंच आई पीस है केसन का हमारे पास स्कैनर क्वालिटी में, ये पूरा इसमें लग जाता है। तो 2 इंच आपको एरिया ज़्यादा दिखाता है, तो डीप स्काई के लिए 2 इंच प्रेफरेबल है। तो ऑब्जेक्ट्स अगर सेट हो रहे हैं या राइज हो रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया नज़र नहीं आएंगे। जब वो ऊपर होंगे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 90 डिग्री, 100 डिग्री, तो वो बेटर आपको नज़र आएंगे। ये अंदर का मिरर है और ये ऊपर सेकेंडरी मिरर है, इसकी ये कैप है, इसको निकाल के आपने इसमें ये एडजस्टमेंट नहीं करनी, कॉलिमेशन नहीं तो बिगड़ जाती है। फिल्टर, सोलर फिल्टर साथ में आता है जो इस तरीके से लग सकता है। तो सन को बिना सोलर फिल्टर के अगर आप देखेंगे तो आप ब्लाइंड हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपने देखनी है। तो एक्सटेंशन है आई पीस फोकसर 1.25 इंच, जहाँ आई पीस आते हैं वो कैमरा अडैप्टर भी है। तो अगर आप टीरिंग अलग से लेते हैं स्पेसिफिक कैमरे का, कैनन का, तो आप इस पर लगा सकते हैं अपना SLR कैमरा इस तरीके से, तो इसमें टीरिंग लग जाएगा, तो इस तरीके से लग सकता है। ये आपका आई पीस फोकसर पे डायरेक्ट लग जाता है इस तरीके से। अगर ये टेलीस्कोप आपको पसंद आया, कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो हमारे नीचे लिखे हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज दे सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।